हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का ये ट्यूटोरियल, आज का ये लेसन टैली प्राइम कोर्स का फर्स्ट लेसन है, जिसमें आज हम आपको टैली प्राइम को फ्री में डाउनलोड करना सिखाएंगे। यदि आप टैली प्राइम कम्प्लीट कोर्स फ्री में सीखना चाहते हो तो कम्प्लीट लेसन की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टैली प्राइम फाइंड करके भी कम्प्लीट लेसन या कंप्लीट कोर्स टैली प्राइम सीख सकते हो। तो चलो हम बताते हैं कि आप फ्री में कैसे टैली प्राइम को डाउनलोड करोगे। टैली प्राइम डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल में टाइप करना होगा tallysolution.com और जस्ट आपने एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा, यानी ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपल डाउनलोड एक ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन आपके सामने नज़र आ जाएगा, और इस डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पर एक सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तकरीबन 41 MB का है, यानी 40 MB के आसपास का है, और ये सेटअप बिल्कुल फ्री है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपके कोई भी एक्सपेंस नहीं लगेगा, और यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको रन करना होगा। तो हम वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। हमारा टैली का सेटअप कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है, बस यहाँ पर आपको क्लिक करके ओपन फोल्डर करना है। जैसे आप ओपन फोल्डर करोगे तो यहाँ पर आपको टैली का जो है सेटअप नज़र आ जाएगा। इस टैली के सेटअप को आपने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी और सभी जो कमांड हैं, सभी जो इंस्ट्रक्शन हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। इसको ध्यान से देखें। यदि आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से ही टैली ओल्ड यानी ERP टैली इंस्टॉल है, तो यहाँ पर इंस्टॉल की जगह, जहाँ पर इंस्टॉल आपको नज़र आ रहा है, इंस्टॉल की जगह यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन नज़र आएगा। आप अपडेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ओल्ड टैली है, यानी जो टैली ERP 9 में आपने जो भी एंट्री करी होंगी, वो इसके अंदर अपडेट हो जाएंगी। जस्ट आपने अपडेट करना है। यदि आप न्यू इंस्टॉल करना चाहते हो, अभी तो मेरे कंप्यूटर के अंदर ERP 9 जो है नहीं इंस्टॉल थी, इसलिए पहले ही यहाँ पर इंस्टॉल बटन आया हुआ है, बस आपका अपडेट बटन हो सकता है। अगर आप न्यू इंस्टॉल करना चाहते हो और आपका यहाँ पर अपडेट बटन आया हुआ, तो आप मोर एक्शन में जाके यहाँ पर न्यू, यहाँ पर दिया गया है न्यू इंस्टॉल पे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन, अपडेट का ऑप्शन नहीं है, इंस्टॉल का ऑप्शन है जैसे मेरा आया हुआ है, बस जस्ट आपने यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर टैली जो है इंस्टॉल हो चुकी होगी। यह है टैली प्राइम। यहाँ पर स्टार्ट टैली प्राइम का एक ऑप्शन आ भी चुका है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो लिखा हुआ इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, यानी जो आपकी टैली प्राइम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। एप्लीकेशन का पाथ आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद स्टार्ट टैली पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर टैली प्राइम जो है वो ओपन हो जाएगी। बस जस्ट इसका वेट करना है। इसको रन होने में कुछ टाइम लगता है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू टैली ERP इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम थोड़ा कम लगता था। अब यहाँ पर देखें, जैसे आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शन इसके अंदर यस रहते हैं, इनको आपने इग्नोर करना है या एक्सेप्ट करना आपके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, यानी आप इंडिया में रहते हो, तो आप इंडिया एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप कन्फिगर भी कर सकते हो। फिलहाल हमारा इसने ट्रेस कर लिया क्योंकि हमने इंडिया से डाउनलोड किया है इसको, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया आ चुका है, और यहाँ पर जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। मैं आपको बता दूँ, एक्सेप्ट करना है यहाँ पर। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट करने के बाद देखो वो वाला ऑप्शन जो अभी आया हुआ था वो सिर्फ वन टाइम के लिए आएगा, बार बार नहीं आएगा। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है ट्राई फॉर फ्री, मतलब एजुकेशन मोड यहाँ पर फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क, यानी नेटवर्क के लिए आपका अगर लाइसेंस है तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी आपके पास ऑलरेडी कोई लाइसेंस है, जैसे टैली ERP का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर आप रीएक्टिवेट कर सकते हो। और यदि आप न्यू लाइसेंस लिया है आपने या न्यू एक्टिवेट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे। फिलहाल के लिए हम स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट के लिए ट्राई फॉर फ्री एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद हमारे सामने एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा टैली प्राइम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको EDU दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लाइसेंस वर्जन चला रहे हो तो यहाँ पर आपको गोल्ड नजर आएगा। यहाँ से पता लगता है कि आप एजुकेशन मोड यूज कर रहे हो या आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हो। फिलहाल हमने एजुकेशन मोड में काम करना है, और कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे इसके आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वाले लेसन में मिलेंगी। इस वीडियो में हमने आपको बताना था कि आप टैली फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बताएंगे कंपनी कैसे क्रिएट होती है, ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए गए सब की आपको वन बाय वन कंप्लीटली नॉलेज देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।